जो व्यक्ति खुद शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। भाजपा जल्दी ही मुख्यमंत्री की संपत्तियों की जानकारी जनता के सामने रखेगी। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एक प्रेस नोट जारी करके कही है। इस प्रेस नोट पर धूमल द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि व्यक्तिगत आरोप लगाकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश की समस्याओं से जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में समस्याओं के समाधान के बजाय लोगों का ध्यान बटाने के लिए राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्तिगत आरोप लगाना और कीचड़ उछालना घटिया राजनीति और निंदनीय है। धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री को जांच करवाने का अगर इतना ही शौक है तो उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय थानेदार बनना चाहिए था। पिछले 2 सालों से प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को दरकिनार करके केवल विरोधियों की जांच ही करवा रही है। प्रोफेसर धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि वे जाँच ही करवाना चाहते हैं तो साथ साथ अपनी संपत्तियों की जाँच भी CBI से करवाएं। उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। दोनों की एक साथ जाँच होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश की जनता के सामने भी असलियत उजागर होगी। धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की संपत्तियों की जानकारी जनता के सामने आ जाएगी। धूमल ने कहा कि आज प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि रामपुर में करोड़ों रुपए का होटल किसका बन रहा है और होटल के सौंदर्यकरण में खलल ना पड़े इसके लिए बस स्टैंड को किसके आदेश पर हटाया जा रहा है। होटल के सामने पार्क बनाने के लिए नगर परिषद पर कौन बार बार अनुचित दबाव डाल रहा है। धूमल ने यह भी कहा कि वीरभद्र सिंह सारी उम्र 1 रुपए की तनख्वाह लेने का ढोंग करते रहे और कोई भी व्यापार नहीं करते हैं, फिर कैसे उनके और उनके परिवार के पास करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रदेश की जनता यह भी जानना चाहती है कि महरौली में करोड़ों रुपए का फार्म हाउस किसने खरीदा है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि जो व्यक्ति शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। भाजपा जल्दी ही मुख्यमंत्री की संपत्तियों की जानकारी जनता के सामने रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल।